Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine and enjoy your vacations. But in vacations में हमने पढ़ना भी है. So आज हम उर्दू रीडिंग बुक का सबसे पहले पढ़ेंगे. Open your page number 77. आज हमने पढ़ना है हरूफ इशारिया. हरूफ इशारिया मतलब जिसकी तरफ हम इशारा करके बताते हैं, ये और वो का इस्तेमाल. ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ करीब पड़ी होती है, और वो जो चीज़ दूर पड़ी होती है उसकी तरफ इशारा करके हम कहते हैं कि ये वो चीज़ है. इसे हम हरूफ इशारिया कहते हैं जिसमें ये और वो होते हैं. जैसे कि इधर सबसे पहले ये मुर्गा है, ये मुर्गा पास है ना, तो इसके लिए हम कौन सा हरूफ इशारिया यूज़ करेंगे, ये. नेक्स्ट वो अहमद है, अहमद दूर है, इसके लिए हम इशारिया यूज़ करेंगे वो अहमद है. ये गुड़िया है, गुड़िया पास पड़ी हुई है, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे. चिड़िया दूर है, उसके लिए हम कौन सा रूप इशारिया यूज़ करेंगे, वो चिड़िया है. ये किताब है, क्यों, किताब तो पास पड़ी हुई है, इसलिए ये किताब है. दरख्त दूर है ना, इसके लिए हम वो दरख्त है. आप भी ऐसे ही घर में अपने पास पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करें, देखें और बताएं कि कौन सी चीज़ आपके करीब पड़ी हुई है उसको ये का नाम दें, और जो दूर पड़ी हुई है उसको ही तरफ इशारा करके वो का इशारिया यूज़ करना है आपने. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.